गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी होमवर्क सीट 29 है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास नर्सरी है। इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, राइट ए टू जेड कैपिटल लेटर्स, मतलब आपको ए से लेके जेड तक ए बी सी डी लिखना है, पूरा जेड तक लिखना है, ए बी सी पूरा यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैंने ये डॉट दिए है उसी डॉट पर आप लिखेंगे अच्छे से और प्रॉपर लाइन में। और प्रॉपर लाइन में कैसे लिखना है कि इंग्लिश वाली बुक में जो होती है तो हम कैसे इसमें लिखते हैं टेक्स्ट बुक में, इस तरह से लिखते हैं कि हम दो लाइनों को यूज करते हैं इसमें। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू, मिसिंग लेटर, मतलब ये मिसिंग लेटर मतलब क्या होता है, जो मिसिंग है लेटर वो आपको फिल करना है। जैसे ए लिखा हुआ एक बात क्या आएगा, बी सी लिखा, डी एक बात, एफ जी एक बात, एच आई एक बात, जे के एक बात, एल एम के बाद, एन ओ के बाद, पी क्यू के बाद, आर, इस तरह से ये फिल करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री, बिटवीन मतलब बिफोर लेटर्स, मतलब ये बिफोर मतलब क्या होता है, पहले का लेटर है तो इसमें आपको पहले क्या आएगा, इसमें आपको फिल करना है, ए आएगा एक बात, बी आता है, फिर सी डी ई एफ, इस तरह से आपको ये फिल करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर, बिटवीन लेटर्स, मतलब बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच का, इसके बीच में जैसे एक बात क्या आएगा, बी सी लिखा हुआ है, इस तरह से डी के बाद ई एफ लिखा हुआ है, इस तरह से ये करना है। इसके बाद ये स्मॉल ए बना हुआ तो इसमें आपको ये लिखना है अच्छे से और अच्छे से इसको पढ़ना है, पूरा याद करना और अच्छे से लिखना है। थैंक यू।